हेलो पीपल, सो ये जो वीडियो है यहाँ पे हम लॉन्च करने वाले हैं हमारा मिशन JEE 2024, ठीक है, द अनबीटेबल क्रैश कोर्स है ये, ठीक है। और अनबीटेबल लाइक ये नाम बहुत मुश्किल से है, लाइक ये कोई आसान नाम नहीं है रखने के लिए। अनबीटेबल, अनबीटेबल मतलब समझते हो, जिसको जितने भी कोर्सेज इस टाइम पे चल रहे हैं मैथ्स के नाम पे, ठीक है। मैं मैथ्स का टीचर हूँ, राइट, और मेरा एम हमेशा से ये रहता है कि जो स्टूडेंट जिस परस्पेक्टिव पे है, जो जी रहा है, जो लाइफ वो जी रहा है, उसके हिसाब से किस तरीके से कोर्सेज बनाए जाएं, किस तरीके से उसकी हेल्प करी जाए, ठीक है। तो मैंने अभी तक जितने भी कोर्सेज बनाए हैं, ठीक है, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, अभी तक मैंने जितने भी कोर्सेज बनाए अपने यूट्यूब चैनल पे, दोज आर फॉर JEE एडवांस, ISI, CMI, ओलंपियाड, उस लेवल पे बनाया मैंने हमेशा से, ठीक है। मैंने मेंस स्पेसिफिक आज तक कोई कोर्स नहीं बनाया था, ठीक है, इन द सेंस कि उन कोर्स को करोगे तो ऑब्वियसली मेंस तो तुम्हारा बच्चों की तरह हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, और फिर जो मेंस का जो पैटर्न आ रहा है इस टाइम पे, वो भी अब वैसा नहीं रहा जैसा हुआ करता था 2019, 20, 21 के टाइम पे, 2022 और 2023, इनफैक्ट दैट वाज लाइक एक्सेप्शनल, जो पेपर्स थे वो काफी अच्छे लेवल के थे, ठीक है, इन द सेंस कि एडवांस का उसमें एक तड़का था, ठीक है, मतलब हर क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा मल्टी चैप्टर, थोड़े से मल्टी टॉपिक्स, थोड़ा सा एक ट्विस्ट हमेशा देखने को मिल रहा है, और ये मैथ्स में हो रहा था, पहले नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने आज तक कभी बनाया भी नहीं मेन स्पेसिफिक कोर्स, क्योंकि आई वाज लाइक कि मेंस तो कूड़ा है बिल्कुल ही, ठीक है, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मेंस एकदम कूड़े की तरह उन्होंने पूछा, 2019-20 के आप पेपर उठा के देखोगे कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं वो लोग, ठीक है। सो मुझे दिखा कि यहाँ पे एक नीड है, तो बीइंग एन एडवांस टीचर आई एम लाइक मेकिंग अ फुल JEE मेन्स मैथमेटिक्स कोर्स, और इसके बाद ये अनबीटेबल इस वजह से है क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, सारे PYQs अभी मैं बताने वाला हूँ, एडिटिंग। तो मेन फीचर्स क्या है मेरे जो ये जो कोर्स होने वाला है, इसमें मैं 2002 से 2023 तक के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, सारे, एक भी नहीं छोड़ने वाले, 2002 से 2023 तक, यानी कि 144 पेपर्स हैं ये। मैं ये नहीं कह रहा कि 2023 के सारे करा दूंगा, 22 के करा दूंगा, सारे के सारे कराने वाला हूँ, 144 पेपर्स, और वो भी ऐसे नहीं कि बस मान ले सीक्वेंस एंड सीरीज में कितने क्वेश्चन आए, अराउंड आई गेस 262 क्वेश्चन, पता नहीं मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, तो वो 262 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में करवाए जाएंगे, अलग ही स्टाइल से। दूसरा, वो 262 क्वेश्चंस ऐसे नहीं करा दिए जाएंगे कि रैंडमली फेंक दिया, ले बेटा एपी का एपी टॉपिक तुमने पढ़ लिया है, जो बेटा एपी के टॉपिक, एपी के ऊपर मान लो 60 क्वेश्चंस आए, तो लो 60 करो, ऐसे नहीं कराया जाएगा उसको। मैंने जैसा कि बोला, टाइप वाइज एंड एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव मतलब समझते हो कि अगर ये एक चीज है, एक ये पूरा कलेक्टिव सेट है, एक पूरी चीज का जो भी आ सकता है उसका इतना बड़ा सेट है, तो उसमें से ज्यादा लोग क्या करते हैं, ये लो बेटा दो चार मैंने करा दिए, बाकी तुम कर लेना, है ना, थोड़े चलो मैंने और करा दिए, एक और अच्छा टीचर आ गया उसने थोड़े और करवा दिए, नहीं, एग्जॉस्टिव मतलब होता पूरा खत्म, ये पूरा का पूरा लपेट लिया, दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव कंप्लीटनेस, ठीक है, फीलिंग आ रही है। सो दैट इज द होल पॉइंट कि एग्जॉस्टिव होगा, एंड उसमें भी फिर लाइन ऑफ थिंकिंग के बेसिस पे, थिंकिंग के बेसिस पे टाइप्स बटे हुए होंगे, ठीक है, नॉट रट्टा बेस्ड। तो दिस इज द एंटायर प्लान, राइट, कि हम इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। अब ये तो हो गई सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग की बात, ठीक है, मैं एक बार पहले तो ये भी शो कर देता हूँ, 144 पेपर्स में अब तक, जब तक JEE में, जब JEE मेंस जो है वो 2002 से पैदा हुआ है, ठीक है, तब से 3940 से ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। मैं तुम्हें एक बार एक डेमो की तरह शो कर देता हूँ, जैसे ये हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज है, कांग्या, अरे कांग्या भाई धोखा मत दियो, हाँ, जैसे ये बुक का एक स्क्रीनशॉट टाइप है, तो यू कैन जस्ट सी, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, तो उसमें 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3, 3, 6, ठीक है, ये लॉक सीरीज का क्वेश्चन है, तो मैंने ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये अलग चैप्टर में आएगा, ठीक है, मतलब मैं अभी जो पहला चैप्टर होने वाला है, दैट वुड बी सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है, इनफैक्ट सीक्वेंस सीरीज भी नहीं, उससे पहले भी कुछ और आएगा, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, अभी तो बस उड़ने वाले हो तुम, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं अभी तक, मैं कह रहा हूँ ना, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्व है, तो ये मैं सीक्वेंस में नहीं कराऊंगा, ये मैं तब कराऊंगा जब हम क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं ये बेवकूफी बिल्कुल नहीं करने वाला कि अगर एक चैप्टर है और मैंने उससे पहले आपको वो चीज़ पढ़ाई नहीं है, तो वो उस क्वेश्चन में यूज हो नहीं सकती, चाहे कुछ हो जाए, सिंपल सी बात है। मैं बहुत एग्जॉस्टिव और बहुत ही थिंकिंग के बेसिस पे चलता हूँ कि जब किसी बंदे ने आज तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा ही नहीं है, मान लो, ठीक है, तो वो कैसे उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा अगर सीक्वेंस एंड सीरीज में अचानक से उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दिया, जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि भाई चलो ये तो अलग टाइप का है, बट हाँ ठीक है, समझ, जैसे मानो ये क्वेश्चन है, अब इसमें उसने लॉग लगा दिया, ये जो बुक वाले हैं उन्होंने तो सीक्वेंस सीरीज में डाल दिया, लेकिन इससे पहले बच्चे ने लॉग पढ़ नहीं रखा है, तो इस क्वेश्चन को देख के वो डर गया कि यार ये कैसे होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें हैं, जिसमें हैं, जैसे कि अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, तुम देख सकते हो, मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको देख रहा होगा, एक एक पे मार्किंग करी हुई है, टैगिंग करी गई है कि थर्ड थर्ड फर्स्ट, है ना, फर्स्ट सेकंड, और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है ये आपको पता चलेगा, ऑब्वियसली इट वुड बी डिस्क्लोज्ड जो मैं पूरा कोर्स बना रहा हूं,
तो उसमें ये सब थिंकिंग के बेसिस पर बनाए गए हैं, ठीक है। ये जो एक तरीके से पूरा सिस्टमेटिकली रखा गया है इसको, वो क्वेश्चन नहीं मिल रहा मेरे को, मैंने मैं दिखा देता हूँ, शायद ये वाला क्वेश्चन ही है 116। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में कहीं से कहीं पे भी लॉग नहीं लगा हुआ है, बट जब इसको सॉल्व करते हैं तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बन जाती है, जिसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लॉगरिथम का यूज़ करते हैं। तो अब इसको देख करके तो तुम्हें नहीं लग रहा कि लॉग लग रहा है, बट मुझे तो पता है ना कि इसमें लॉग लगने वाला है, तो मैं इसको यहाँ कराऊंगा ही नहीं। क्या बात समझ में आ रही है कि इतना ज़्यादा सिस्टमेटिकली रखा गया है। एक एक क्वेश्चन तुम देख सकते हो, तुम देख सकते हो, पूरे स्क्रीनशॉट तुम्हारे पास अवेलेबल है, ठीक है। इसके पीछे वाले पेज की मैंने फोटो नहीं खींची है, 209 तो यहीं होगा, ठीक है। तो ये एक एक क्वेश्चन आपको कराया जाएगा एग्जॉस्टिवली टाइप वाइज, ठीक है, और वो भी फ्री, ठीक है। सो आई थिंक सो लाइक काफ़ी बड़ा काम हो गया है, एंड आई गेस ये तो सिर्फ, ये तो कोई भी कर सकता है, राइट, इन द सेंस कि ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ा है कि ये सिर्फ वही बच्चे करें जिनका कुछ नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली हर कोई कर सकता है। अब जब मैंने तुम्हारा इतना काम करा दिया है कि अब तुमसे सारे जेई मेंस के क्वेश्चन अपने आप होने लग जाएंगे, तुम करोगे उनको, ठीक है, तो अब इसके बाद तुम्हारे पास टाइम बचता है कि अब तुम खुद क्या करोगे, तो तुम खुद एडवांस की वीवाई यूज़ कर सकते हो। दैट वुड बी द प्रैक्टिस दैट यू वाइज वुड डू। जब कोई मेरा लेक्चर देखता है और मुझसे पूछता है मैं कौन सी प्रैक्टिस करूँ, तो मैं उससे ये नहीं बोलता हूँ कि जाओ बेटा ये फलाना ढिमकाना बुक्स कर लो, मैं सीधे बोलता हूँ कि जाओ बेटा ब्लैक बुक कर, ठीक है, या समीर बंसल कर ले, या ये करने की भी जरूरत नहीं है, ये भी सिंपल लगने लगते हैं, बच्चे ब्लैक बुक ओरली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कितने लोगों ने कमेंट्स कर रखे हैं, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, कितने लोगों ने मुझे कमेंट किया कि जो आपका कैलकुलस का कोर्स है उसको करने के बाद हमने लिमिट्स कंटिन्यूटी डेरिवेटिव्स काफी टफ आता है एडवांस में, उसके क्वेश्चन वो लोग देख देख के ऐसे कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छा हाँ ये ऐसे हो जाएगा, हाँ ये मतलब ओरली का मतलब समझा, ऐसे नहीं कि कैलकुलेशन ही हवा हवा में हो जाती है, मतलब कि हाँ ठीक है ऐसे हो जाएगा, सोच रहे हो द मोस्ट सो कॉल्ड टफेस्ट बुक्स, क्योंकि वो टफ है ही नहीं ना, उनसे बहुत टफ टफ चीज़ें आती हैं, बट एडवांस की औकात के बाहर है, एडवांस की औकात के बाहर बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, एडवांस के ऊपर भी बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हम उस लेवल पे ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, ठीक है, तो बात मैं कर पा रहा हूँ आपसे, ठीक है। सो इसलिए मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि जेई मेंस की पीवाई को खुद प्रैक्टिस करो, ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी गाइड कर दूंगा कि हाँ इसके बाद आप ये कर लो, तो इससे फ्यूचर चीज़ें भी निपट जाएंगी, यानी कि अगर 30 क्वेश्चन आ सकते हैं तो उसमें से 25 क्वेश्चन का काम तो मैंने अपने साथ ही करवा दिया आपको। अब जो वो सो कॉल्ड रैंक बूस्टिंग 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है, उसका काम आपको खुद करना होगा, क्योंकि अभी मैं तो ये चाहता था कि मैं ये भी अपने में इंक्लूड कर लूँ, बट मुझे दिख रहा है कि टाइम बहुत कम है, ठीक है, टाइम बहुत कम है, वरना मैं इसको भी इंक्लूड कर लेता कि कुछ सेलेक्टेड एडवांस के क्वेश्चंस मैं उसी में इंक्लूड कर लेता, बट अब मैं नहीं करूँगा क्योंकि जेई मेन आने ही वाला है, तो इस वजह से एडवांस की पीवाईक्यूज आप खुद कर लेना जब मैं लेक्चर डालूंगा, अभी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। सो आई गेस दैट इज इट, अभी बता दूंगा क्या इसका क्या सिस्टम है। थर्ड इज थ्योरी, ठीक है, एक्चुअली फर्स्ट है थ्योरी, तो ऑब्वियसली बात है, बट मुझे पता था कि ज्यादा लोग इससे ज्यादा अट्रैक्ट होंगे क्योंकि वो मेन चीज़ को मेन ही तो नहीं समझते, और फिर पूछते रहते सर हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। फॉल इन लव विद मैथमेटिक्स, जैसा कि मैंने बोला प्यार हो जाएगा तो मैं मैथ्स से, और प्यार तुम्हें वैसे नहीं होने वाला है कि मुझसे क्वेश्चन सॉल्व होने लग गए मुझे प्यार हो गया मुझे इंटरेस्ट आ गया, नहीं, तुम्हें सच में प्यार हो जाएगा। मैं जो मैथ्स पढ़ाता हूँ मैं वैसे पढ़ाऊंगा ही नहीं, ये जो तुम पूरी मैथ्स पढ़ रहे हो ना अभी, ये जो पूरी मैथ्स हम पढ़ रहे हैं, जो जेई का सिलेबस है सो कॉल्ड, वो जेई का सिलेबस पूरा 1800 तक जितनी मैथ्स बनी है ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज उतनी कवर करता है वो, स्टार्टिंग फ्रॉम बिल्कुल बेसिक क्वाड्रेटिक सीक्वेंस सीरीज, बेसिक अलजेब्रा, है ना, फिर आपका वो ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री नंबर थ्योरी, ये सब आपके जो टॉपिक्स हैं ये सब आपके बहुत ही एंशियंट टॉपिक्स अराउंड 5-6 हज़ार साल पहले बने थे। तो मैंने इसको ऐसे बोला कि बिग बैंग से लेकर के 1800 तक की पूरी स्टोरी है ये एक पूरी कहानी है, पूरी नॉवल सीरीज है भैया ये, मैं तो पूरी नॉवल लिख रहा हूँ इस पर ऑटोमेटिक, अभी ये इट वुड बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉवल विच वुड बी रिटन ऑन मैथमेटिक्स, ठीक है। सो वो तो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, नॉट जस्ट ऑन मैथमेटिक्स इन फैक्ट एंड ऑन द एंटायर थिंग द साइंस मैथमेटिक्स एंड ऑल दैट, खैर वो तो आउट ऑफ टॉपिक हो गया, बट या सो इसको करने के बाद ये जो सीरीज है एक तरीके की मिनी सीरीज है, एक तरीके का ट्रेलर जैसा है ये मेरी बुक सीरीज को लेकर के, बट ये जो थ्योरी होने वाली है दिस वुड बी लाइक स्टोरी। हमारी जो पहली स्लाइड ही होगी वो भी यही होगी कि ओके बिग बैंग हुआ उससे अर्थ बनी, फिर अर्थ से इंसान आ गए, इंसानों को ये प्रॉब्लम हुई उसकी वजह से उन्होंने काउंटिंग बना दी, वहां से फिर नंबर थ्योरी आ गई, नंबर थ्योरी के अंदर देखो जेई मेंस में ये सब आ चुका है, ठीक है। तो एक तरीके से हम मैथ्स से भी प्यार होता जा रहा है और बिल्कुल रेलेवेंट चीज़ें पढ़ेंगे, फालतू चीज़ें नहीं पढ़ने वाली, ये नहीं कि बस हम बह गए, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, लेकिन क्योंकि टाइम कम है जेई जो है वो एडवांस लेवल पे पूछ रहा है, वो अंडरस्टैंडिंग की तरफ जा रहा है, तो बहुत ही रेलेवेंट और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को रखूंगा मैं, ठीक है। सो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। और अब जैसे नंबर थ्योरी है, पहले मुझे लग रहा था कि नंबर थ्योरी थोड़ा पूछेगा जेई, बट जेई 2023 के क्वेश्चन देख के मेरा दिमाग खराब हो गया, ठीक है, वो डिविजिबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है, वो क्वेश्चन के अंदर हाइड कर करके डिविजिबिलिटी लगवा रहा है, ठीक है, कि दो चीज़ें दे रखी हैं एंड यू शुड नो कि भैया ऊपर वाला जो है वो कोप्राइम है इसके साथ। अब ये सब चीज़ें बच्चे भूल जाते हैं, बच्चों को एलसीएम एचसीएफ अगर मैं पूछ लूँ अभी किसी से कि एलसीएम क्या होता है बता, तो वो ये तो बता देंगे कि सर 12 और 13 का एलसीएम शायद ऐसा निकलता था, बट बोलूंगा एलसीएम होता क्या है, जब जेई मेंस उस पर क्वेश्चन पूछता तो तुम्हारी मर जाती है कि भैया कॉमन टर्म्स निकालने हैं, है ना, और उसमें तुम्हें एलसीएम निकालना है, तुम सोचते रहते हैं इसमें एलसीएम का क्यों निकालना है, उसी ने अभी घुमा के पूछ लिया कुछ एप्लीकेशन जो वो भी आ चुका है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, वहां पे तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि यार यहाँ एलसीएम लगेगा या एचसीएफ लगेगा, वही अपनी क्लास 9-10 में भी ये दिक्कत होती थी, पर ये यहाँ पे है वो मान के चल रहा है ये सब, ठीक है, एंड 2023 में इसका राइज हुआ है। तो जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज तुम पढ़ लो, अब देखो पहले तो थ्योरी समझो,
कि अगर तुम सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे हो तो उसमें क्वेश्चंस के बीच में एलसीएम लग रहा है, एचसीएफ लग रहा है, डिविजिबिलिटी लग रहा है, अब बच्चे को तो ये आता ही नहीं है, ठीक है? तो ऐसा नहीं होने वाला है। अब बेसिकली ये जो पूरे टॉपिक्स हैं, इसका एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं नंबर थ्योरी। इसीलिए जब मैं सीक्वेंस सीरीज पढ़ाऊंगा तो उससे पहले मैं तुम्हें ये पढ़ा चुका होऊंगा, ठीक है? ऐसे ही जब तुम मैट्रिसेस पढ़ रहे हो तो मैट्रिसेस के क्वेश्चंस के अंदर, उसके कॉन्सेप्ट के अंदर मान लो पीएनसी लग गया। अब पीएनसी जब तुम पढ़ने बैठे तो वहां पे सीक्वेंस सीरीज अपने आप ही लग रहा है मजे मजे में, ठीक है? सीक्वेंस सीरीज नंबर थ्योरी लग रहा है, तो तुम्हें ये आना चाहिए तभी तो तुम पीएनसी कर पाओगे, और जब ये आएगा तभी तो तुम ये कर पाओगे। तो इट इज नॉट अफलातून तरीके से आंधी तूफान की तरह कुछ भी पढ़ा दिया गया, ये नहीं किया गया है। बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से चीजें करी जा रही हैं, ठीक है? जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे, जैसे अगर आप एओडी पढ़ रहे हो तो एओडी में बहुत ही बेसिक होता है, पर वो होता है, जैसे कि एरियाज और वॉल्यूम्स। जैसे वो बोलेगा मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन के अंदर कोन के बारे में कुछ पूछ लिया उसने, पिरामिड के बारे में कुछ पूछ लिया, अब तुम्हें उसका फॉर्मूला याद नहीं है, अब तुम भटके जा रहे हो, ठीक है? तो तुम्हें फंडामेंटल से फंडामेंटल बच्चा कहां अटक सकता है, मैंने वहां तक अटैक किया इस कोर्स में। इट इज लाइक कि क्लास टेंथ का बच्चा भी नहीं है, मैं तो बहुत छोटा मान के चल गया तुम्हें, ठीक है? कि तुम्हें कुछ नहीं आता। दिस इज द थ्योरी विच आई एम मेकिंग, ठीक है? सो दिस थ्योरी इज नॉट एट ऑल जो भी अभी तक बना है जेई मेंस की हिस्ट्री में, जेई मेंस नहीं, जेई मैथ्स की हिस्ट्री में, चाहे एडवांस हो, मेंस हो, आईएसआई हो, सीएमआई हो, ओलंपियाड हो, ठीक है? सो दिस वुड बी द कोर्स, दिस वुड बी द कोर्स। पहले थ्योरी वीडियो आएगी जिसमें पूरी थ्योरी कवर होगी एकदम स्टोरी की तरह से, पहले बेटा ये बना, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ कि उस टाइम पे क्या चल रहा था जिसकी वजह से ये सब बना। पूरी लाइन ऑफ थिंकिंग डेवलप होती है तुम्हारी जब तुम डिस्कवरी करते हो, जब तुम हाथ के हाथ डिस्कवरी करते हो तो तुम्हारी लाइन ऑफ थिंकिंग डेवलप होती जा रही है। फिर जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करने आते हो जेई के, ओलंपियाड के, किसी के भी, तब तुम्हारी वो लाइन ऑफ थिंकिंग काम में आती है, ठीक है? सो मैं अलग तरीके से पढ़ाता हूँ जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ। सो इसी के साथ अब हम समझें इस चीज़ को कि अब ये जो पूरा मैंने तुम्हें बताया है क्रैश कोर्स जिसको हम बोल रहे हैं, इसका एग्जीक्यूशन कैसे होने वाला है, ठीक है? सो देखो, क्या ये फ्री होगा या पेड होगा? देखो, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है? बट फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इट डिपेंड्स ऑन यू। मुझे यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ रही है फ्री के ऊपर, मैं चाहता नहीं था ये करना, बट मेरे साथ दिक्कत क्या चल रही है कि मेरा जो अभी सर्वाइवल है, ठीक है, उस पर थोड़ा सा खतरा है। खतरा इन द सेंस, नॉट इन दैट सेंस, इन द सेंस कि पैसा जो है वो मैं काफ़ी हद तक कम अर्न कर रहा हूँ इस टाइम पे, कम अर्न कर रहा हूँ, यानी कि मेरी जो बेसिक सर्वाइवल नीड्स है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूँ जिसकी बहुत सारी वॉन्ट्स हैं कि मुझे फरारी खरीदनी है, मुझे बंगला खरीदना है, ये सब नहीं है मेरे अंदर। आई एम ऑलरेडी वेरी मच इन टू माई सेल्फ, ठीक है? मैं मस्ती में रहता हूँ, मैं आनंद में रहता हूँ, ठीक है? मेरे को किसी की जरूरत नहीं पड़ती है कि इसकी वजह से मैं मस्ती में आ जाऊँ। मुझे पता है कि मस्ती इन सब चीज़ों से नहीं मिलती है, ठीक है? जॉय खुद का होता है, इंटरनल जॉय होता है, ठीक है? सो पैसा मेरे लिए कभी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है? इसीलिए मैं ये कोर्स फ्री में डाल रहा हूँ, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प पीपल एंड जस्ट वॉन्ट टू नो, लेट देम फॉल इन लव विद लर्निंग इट सेल्फ, ठीक है, विद अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? सो इसीलिए एक कंडीशन लगानी पड़ रही है कि देखो, अगर पूरे जेई मेंस के सिलेबस में, पूरा जेई मैथ्स के सिलेबस में अराउंड 30 के आसपास चैप्टर्स हैं मान लेते हैं, ठीक है? तो उसमें से मैं 15 चैप्टर्स तो पक्का फ्री पढ़ाने वाला हूँ, पूरे के पूरे फ्री होंगे, यूट्यूब पे पढ़ेंगे वो, ठीक है? बिल्कुल फ्री। और जो नेक्स्ट 15 चैप्टर्स हैं, मैं अपना, अगर मैं अंदर से बताऊं आपको खोल करके बिल्कुल, तो मैं तो यही चाहता हूं कि ये भी फ्री में ही पढ़ाऊं मैं, ठीक है? बट मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आप लोगों ने सपोर्ट कर दिया इस चीज़ को, इस पूरी सीरीज को एक उस मुकाम तक पहुंचा दिया जिस तक ये जानी चाहिए, ठीक है, तो मैं ये भी फ्री में डाल दूंगा। बट अगर मुझे दिख रहा है कि भैया सर्वाइवल पे बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जो कि अभी आ रही है, ठीक है, द अर्निंग लास्ट मंथ वॉज क्वाइट लेस, क्वाइट डिवास्टेटिंग एक्चुअली, सो तो मुझे ना चाहते हुए भी इसको पेड रखना पड़ेगा, इस 15 चैप्टर्स को मुझे पेड रखना पड़ेगा। आई डोंट वॉन्ट टू डू इट, ठीक है? बट आप एक काम कर सकते हो, आप मेरे को थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोग बना सकते हैं अगर आप लोग चाहो तो, ठीक है? कि मैं आपको बता दूंगा, आई गेस दिस इज द UPI ID AGSAM801@, मैं सही से बता दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको कॉन्ट्रीब्यूट करना, बाकी ये कर सकते हैं, ठीक है? बाकी 15 चैप्टर्स है, इसको सपोर्ट करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, और सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा, ठीक है? बेसिकली चैनल को बूस्ट चाहिए, उससे क्या होता है कि थोड़े व्यूअर्स बढ़ेंगे तो आई गेस थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल पाएगा। मेरे ऑलरेडी लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन यानी कि LCDD, ठीक है, LCD बोल सकते हो, इतने के जो मेरे बिल्कुल नेक्स्ट लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज चल रहे हैं, इसको करने के बाद जैसा कि मैंने बोला कि आपका पूरा ब्लैक बुक आप ओरली सॉल्व करोगे, ठीक है? आप बच्चों से पूछ सकते हो, वो बता देंगे आपको, ठीक है? तो ये पेड रख रखे हैं मैंने, तो अगर आपको ये खरीदने हो जिससे फिर से मेरे थोड़ा सर्वाइवल पे एक बूस्ट मिलेगा और आपको भी हेल्प हो जाएगी एडवांस के लिए, ठीक है? सो ये आप खरीद सकते हैं एंड तो इससे भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, सो यू कैन बाय इट, ठीक है? इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा कैसे आप खरीद सकते हो इसको, ठीक है? सो दिस इज द थिंग। बाकी मैं तो यही चाहता हूँ कि पूरा का पूरा सिलेबस मैं फ्री में पढ़ाऊँ, ठीक है? और बाकी यार देखो आप लोग कि कितना कर सकते हो, ठीक है? सो दैट्स इट। बाकी आप यही मान के चलो कि पूरा सिलेबस फ्री होने वाला है, लेकिन अगर कोई दुर्घटना हो जाती है इस टाइप की तो भैया ये ध्यान रखना 15 चैप्टर तो पक्का फ्री होंगे, बाकी आखिर के जो 15 होंगे वो देखना पड़ेगा। और ये 15 चैप्टर कौन से होंगे अभी बता रहा हूँ वो सब, ठीक है? अब पूरा सिलेबस होगा या कुछ चैप्टर्स होंगे, देखो मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि पूरा सिलेबस का ही एम है, ठीक है? लेकिन क्या ये हो पाएगा वो फिर से डिपेंड करता है कि
कितना सर्वाइवल पे क्या रहेगा, ठीक है, सिर्फ इसका रीजन सर्वाइवल ही होने वाला है और कोई रीजन नहीं होने वाला इसका, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, अगर तुम सीरीज को प्रमोट करते हो, ठीक है, लाइक्स देते हो, शेयर करते हो, लाइक व्यूज इतने ज्यादा बढ़ सकते हैं, जितना ज्यादा ये चैनल स्प्रेड होगा उससे ऑटोमेटिकली ही थोड़ा जो मेरे LCD है ना, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी जो कोर्सेज हैं उनकी थोड़ी सेल बढ़ जाएगी, तो मेरा सर्वाइवल इंश्योर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आई कांट जस्ट लिव लाइक दैट, राइट। सो ये दिक्कत है। अब एक और चीज़ है, क्वालिटी जो है वो क्वांटिटी से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। कोई बोलेगा नहीं आखिरी टाइम पे तो क्वांटिटी ही जरूरी होती है, नहीं, अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं उस 30 में से अगर तुम सॉल्व ही नहीं कर पा रहे क्वेश्चंस को तो वो बेकार है। देखो मैं इतना जरूर समझता हूँ, जो मेरे पेड कोर्स, जो मेरे फुल कोर्सेज होते हैं, जो मैंने यूट्यूब पे भी डाल रखे हैं बहुत सारे चैप्टर्स, तो उनको बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वो ISI CMI JEE एडवांस ओलंपियाड लेवल पे होते हैं, तो इतना तो ऑब्वियसली इसमें नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी कुछ क्वालिटी तो मैं मेंटेन करूंगा ही करूंगा, है ना। तो उस क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए टाइम लग सकता है, तो मैं चाहता यही हूं कि पूरा सिलेबस हो, आई वॉन्ट दिस, बट विल आई बी एबल टू कंप्लीट दिस फॉर श्योर, आई कैन नॉट प्रॉमिस दैट फॉर श्योर, बट मैं चाहता यही हूं कि ये किया जाए और ये होगा, ठीक है, मतलब होगा इन द सेंस कि मैं चाहता हूं कि ये हो इस सेंस में, ठीक है। तो ये है, बाकी तो वन शॉट्स तो आप वैसे भी देख ही रहते हैं ना फालतू लोगों के, तो वो देख सकते हो आप, लेकिन अभी छोड़ सकते हो क्योंकि आप तो भैया अल्टीमेटम कोर्स आ चुका है जिसको बोल रहे हैं अनबीटेबल, ठीक है, अनबीटेबल कोर्स, राइट। अच्छा, अब एक और चीज़, सर आप सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कराओगे या आप सीक्वेंस वाइज चलोगे? इसका मैंने पार्शियली आंसर कर दिया है, बट मैं हाइब्रिड कराने वाला हूँ, हाइब्रिड यानी कि देखो जो सो कॉल्ड आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, देखो मैं बताता हूँ कौन कौन से हैं। इसे एक सबसे ज्यादा चल रहा है वेक्टर 3D, है ना, फिर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, ठीक है, फिर एक चल रहा है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, अरे क्या हो गया इसको, सीक्वेंस एंड सीरीज, यही है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे वेक्टर 3D मिलाकर के 5 क्वेश्चन आ रहे थे, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से ऑलमोस्ट 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यही है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। बाकी आपका PNC और बायनोमियल थ्योरम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अराउंड 2 से 3 क्वेश्चन इससे भी आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो टॉपिक्स हैं इसमें तो ज्यादा शॉर्ट किया नहीं गया, जो सीक्वेंस सीरीज PNC बायनोमियल थ्योरम है ये तो आपके इंटैक्ट है, इनमें ज्यादा कुछ चेंज किया नहीं गया। सीक्वेंस सीरीज में उन्होंने बस एक समेशन हटा दिया है, बट उनको वैसे भी कोई सिलेबस को फॉलो करते नहीं है, तो वो मैं आपको बता दूंगा क्या हटाया है, क्या है क्या नहीं है, हम सब करेंगे। वेक्टर 3D में से उन्होंने लेजेंड पूरा प्लेन ही हटा दिया, जिससे पूरा एक एक क्वेश्चन उसी से फॉर्म हो रहा था उन्होंने वो हटवा दिया। वेक्टर से उन्होंने STP VT भी हटा दिया, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में उन्होंने डिटरमिनेंट में कट शॉर्ट किया, मैट्रिसेस वैसी का वैसी है, तो ये तो फिर भी ठीक रहेगा, बट वेक्टर 3D में तो बहुत हटा दिया। What I'm trying to say is कि ये जो सो कॉल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इनकी वेटेज डगमगा सकती है, ऐसा हो सकता है कि कुछ चैप्टर जो अभी तक नहीं आ रहे थे उनकी वेटेज बढ़ जाए, तो ज़्यादा इसके चक्कर में मत पड़ो अगर एक प्रैक्टिकल एडवाइस दी जाए, वरना ऑब्वियसली अगर टाइम कम है तो आपसे कोई हर कोई यही कहेगा कि पहले ये कर लो फिर ये कर लो फिर ये कर लो, ठीक है। बट अभी तो हमें एक तो पॉइंट देखो थोड़ा तो ये भी है कि हमें बेसिक्स आते ही नहीं है, ठीक है, और जिनको थोड़े बहुत बेसिक्स आते भी हैं उनसे भी मैं यही बोलूंगा कि इनका एक हाइब्रिड बनाना पड़ेगा। हम ये भी नहीं कर सकते कि हम हार्ड कोर बिल्कुल क्लास 11 का जो सीक्वेंस है वही फॉलो करेंगे, है ना, हम ये भी नहीं कर सकते, बट हमें ऐसे करना होगा कि कोई दिक्कत ना आए, एकदम फ्लो में चले सब कुछ। तो मैंने एक फ्लो तैयार किया है, ठीक है, देखो शुरुआत होने वाली बेसिक मैथ्स से। बेसिक मैथ्स पता कौन सी बेसिक मैथ्स? यहाँ पे आपका बेसिकली आ गया एरिया, ठीक है, एरियाज, वॉल्यूम्स, अरिथमेटिक, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, और आपका और क्या बना था उस टाइम पे, नंबर थ्योरी, ठीक है, वो सब आ गया आपके इसके अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक मैथ्स, प्योर बेसिक। इसी के अराउंड वहाँ पे सीक्वेंस सीरीज भी बन गया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, PNC, बायनोमियल थ्योरम। अब देखो हिस्टोरिकली भी यही बना था, हिस्टोरिकली भी यही हुआ था, एंड अगर आप JEE मेंस की वेटेज के हिसाब से देखोगे तो दिस एंड दीज टू, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट वेटेड चैप्टर्स, है ना, हाईली वेटेड चैप्टर्स हैं ये खासकर, और खासकर PNC की तो वेटेज अब बढ़ने भी वाली है, आप अराउंड 2 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, तो समझ सकते हो कि ये बहुत हाईली वेटेड चैप्टर्स ही हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, बेसिक मैथ्स, सीक्वेंस सीरीज और क्वाड्रेटिक, जहां तक है इन तीनों की मैं एक साथ एक थ्योरी वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है, जो कि पता नहीं कितने घंटे की होगी, वो आपको देखनी पड़ेगी, मतलब बहुत ऐसा नहीं होने वाला है 7-8 घंटे की वीडियो होगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, इट वुड बी आई गेस 3-4 आवर्स, ठीक है, वो देख लेंगे। तो एक वीडियो की अपलोड हो गई, उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज का एक पूरा PYQ का शॉट आ गया, जिसमें पूरा 2002 से लेकर के 23 तक के सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। फिर कुछ एक दो दिन छोड़ करके या जितना भी एक क्वाड्रेटिक का वन शॉट आ गया, वन शॉट मतलब सारे के सारे PYQs जितने भी आए हुए हैं टाइप वाइज एकदम एग्जॉस्टिव, है ना, और एकदम बेसिक से शुरू करते हुए। मैं जानबूझ के क्या करूंगा ना कि मैं 2023 के क्वेश्चन से शुरू नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुमने थ्योरी पहली बार पढ़ी है, तो पहले थोड़े बेसिक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है, मैंने 2002 वाले कर लिए, 2019 वाले कर लिए, जो थोड़े बेसिक से, और फिर थोड़े टफ टफ आ जाएंगे, तो इट इज तुम देख लेना, तुम्हें मजा आ जाएगा। अब इसके बाद मैं थोड़ा अभी के लिए लेकर के कंफ्यूज हूं कि मैं क्या सीक्वेंस आपके लिए रखूं, ठीक है, इतना सीक्वेंस तो फिक्स है, ठीक है, कि बेसिक मैथ्स, सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, PNC, बायनोमियल, फिर आएगा ज्योमेट्री एंड नंबर थ्योरी। ज्योमेट्री यानी कि यूक्लिड वाली ज्योमेट्री, वो जो क्लास 10th और 9th में पढ़ते हो ना, वो वाली ज्योमेट्री पढ़ेंगे हम लोग एकदम, ठीक है, और वो क्यों पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि एक तो वो ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज होती है, वो 2D ज्योमेट्री में भी यूज होगी, और जब फिजिक्स पढ़ते हो तो उसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में भी होगी, ठीक है, उसको बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, बस बहुत शॉर्ट में आपको आना चाहिए, ठीक है।
सो ये हो गया। अब इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं, यानी कि या तो हम ये वाली लेन पकड़ सकते हैं या फिर हम ये वाली लेन पकड़ सकते हैं। देखो फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर जो बच्चा क्लास ट्वेल्थ में है, जो ड्रॉपर्स है उनको तो टेंशन नहीं है, पर जो क्लास ट्वेल्थ में है या फिर जिनका भी बोर्ड आने वाला है, ठीक है, अब उनको तो बोर्ड की प्रैक्टिस भी करनी, बोर्ड की वो भी करनी है, तो उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम रादर देन कि हम ये शुरू करें 2D ज्योमेट्री एंड ऑल दैट, अगर हम ये शुरू करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहला तो पॉइंट ये हो गया इसके सपोर्ट में। दूसरा एक और पॉइंट है जो मेरे सपोर्ट में है, वो ये है कि जो जनवरी अटेम्प्ट है वो हमें ये बता सकता है कि भैया ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आने क्या वाला है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी बहुत कट शॉर्ट हुआ है, तो हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं कि जेई मेंस पूछने क्या वाला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। थोड़ा बहुत आप अंदाजा ही लगा सकते हो, वरना जनवरी अटेम्प्ट जो होगा वो हमें ये सिखाएगा कि एग्जैक्टली 2D ज्योमेट्री में, वेक्टर थ्री में, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में वो एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है, क्योंकि ये टॉपिक्स ही हैं जहां पे कटौती हुई है, यहां से कुछ नहीं हटा, ये पूरी कैलकुलस है आपकी, फंक्शन ITF, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव, इंडेफिनिट, डेफिनेट, AOD, AOI यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है ना, यानी कि आपका AUC और डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, फंक्शनल इक्वेशंस, ये सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैं इस फ्लो को यहाँ तक फॉलो करूंगा, वो हम देख लेंगे, ठीक है। और फिर आखिरी में आपका प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, कोई एक टॉपिक रह गया हो तो वो सब भी, बेसिकली पूरा सिलेबस है, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर प्लान जो हम फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। ऑल राइट, अब एक और चीज़ से कुछ लोग पूछेंगे सर इसका शेड्यूल क्या होने वाला है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो देखो पहले मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, दिस इज नॉट अ रट्टा बेस्ड रोबोटिक एवरी ईयर सीरीज जो हर साल ये लोग शुरू कर देते हैं ना, 1.0, 2.0, 3.0, ये वो नहीं है, दिस इज वंस एंड फॉर ऑल, ठीक है। सो इसमें सारे PYQs होने वाले हैं, दिस इज द बेस्ट थ्योरी एवर मेड, ठीक है। और फिर ये टाइप वाइज होने वाले, तो इसमें बहुत एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, और लग रहा है, मैं ऑलरेडी तुमने देखा सीक्वेंस सीरीज में मैंने काम किया है, दिस इज टेकिंग हेल लॉट ऑफ रिसर्च फ्रॉम माई साइड, ठीक है। सो आई कैन नॉट गिव यू अ बिल्कुल एकदम बिल्कुल वो होगा कि ये एग्जैक्टली इस दिन ही आएगा, फिर इस दिन ही आएगा, फिर इस दिन ही आएगा, मैं एकदम उसके तो नहीं बोल सकता, मेरे दिमाग में ऑलरेडी प्लान है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं बफर में वीडियोस बना रहा हूँ, मैं वो सब कर रहा हूँ अपने हिसाब से, बट मैं अभी आपको नहीं बता सकता ये चीज़, ठीक है। धीरे धीरे आप खुद नोटिस करोगे कि एक पैटर्न बनने लग जाएगा, ठीक है, कि ठीक है हफ्ते में इस दिन इनकी वीडियोज आती हैं, इस दिन थ्योरी वीडियो आती है, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है, फिर आता है, फिर आता है, इस टाइप से, ठीक है। सो वो आपका बन जाएगा धीरे धीरे, डोंट यू वरी, ठीक है। शेड्यूल भी बिल्कुल उसी तरीके से हम रखेंगे, सो इसमें अभी आप ज़्यादा लोड मत लीजिए, ठीक है। ये शुरू होने वाला है, एंड मैंने डेट बता दी आपको, ये 6 दिसंबर 2023 से शुरू होगा, और उसके बाद आप बोलने लग जाएंगे कि मैथ्स इज लव, आई एम फॉर श्योर, लाइक एकदम गारंटीड बात है वो एकदम, ठीक है। तो कुछ और हो या ना हो तो मैं मैथ्स से तो प्यार हो ही जाएगा, तुमसे जेई के सारे क्वेश्चन होने लग जाएंगे, तुम अंदर से हिल चुके होगे, अलग आदमी बन चुके होगे बेसिकली, ठीक है। 6 दिसंबर यानी कि वेडनेसडे से शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लेट है तो हम थोड़ा सा फास्ट भी करेंगे चीज़ों को, फास्ट मतलब टॉपिक कोई फास्ट नहीं होने वाला है, अपलोडिंग फास्ट होगी, डिफरेंस है दोनों में, ठीक। तो डेप्थ तो उतनी की उतनी रहेगी, ठीक है। बाकी आपने देख ही लिया है ये सारे हमारे PYQs जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, ठीक है। सो दैट्स इट आई गेस। एक और चीज़ है, मेरे को ये ज़रूर बता दीजिएगा आप लोग कि ये पूरा आपको कैसा लगा, ठीक है, क्या आप लोगों के पॉइंट्स हैं, थोड़ा कमेंट्स करो, थोड़ा लाइक करो, शेयर करो, दैट इज़ वेरी मच नीडेड टू बूस्ट द चैनल, टू बूस्ट दिस मिशन, ठीक है। आई एम ऑन अ मिशन राइट नाउ एंड द मिशन इज क्लियर कि आई वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म द एंटायर यूथ, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट कि यूथ जो है वो सड़े गले इस घटिया एजुकेशन सिस्टम में फंसा रहे, मैं ये भी नहीं जानता, लाइक मैं ये नहीं चाहता कि लाइफ में वो इस तरीके की घटिया चीज़ों में फंसा रहे, मैं चाहता हूँ कि उनके अंदर कुछ हायर हो, कुछ ऊंचाई हो उनकी लाइफ में, ठीक है, कुछ डेप्थ हो उनकी जिंदगी में, ऐसे घिसी पिटी जिंदगी नहीं जीनी है यार हमें, है ना, ऊंची जिंदगी जीनी है, कुछ कुछ तो होना चाहिए लाइफ में, ऐसा क्या ये लफंगों वाली घटिया सड़ी हुई, नहीं ये सब नहीं चाहिए, दमदार जिंदगी चाहिए, और दमदार जिंदगी ऐसे नहीं आती है, वो डेप्थ के साथ आती है, वो अंडरस्टैंडिंग से आती है, ठीक है। इट इज अ मिशन, इट इज नॉट समथिंग विच इज क्रिएटेड फॉर कॉम्पिटिशन, मनी, पावर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से इट, ठीक है। सो आई होप सो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो, ठीक है। सो अब हम सीधे मिलने वाले हैं 6 दिसंबर को, ठीक है। आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर इट, क्योंकि वो अलग ही वीडियो बनाई है मैंने, ठीक है। तो 6 दिसंबर को मिलेंगे विद अ थ्योरी वीडियो ऑफ विच चैप्टर, बेसिक मैथ्स, क्वाड्रेटिक एंड सीक्वेंस, या तो इन दोनों का होगा या तीनों का होगा, ठीक है। सो या ऑल राइट देन, मिलते हैं। Thank you.